अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो आज का हमारा टॉपिक है डिवर्मिंग। मोर की डिवर्मिंग कैसे की जाए। डिवर्मिंग भी वैक्सीनेशन और मेडिकेशन की तरह ही बहुत जरूरी चीज है। अब ज्यादातर लोग मैंने देखा कि इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जाहिर है अगर बर्ड के पेट में कीड़े होंगे तो वो जो कुछ खा पी रहा है वो सही तरह से अब्जॉर्ब ही नहीं होगा ना, तो इससे ना अच्छी ब्रीडिंग आपको मिलेगी ना आपके बर्ड्स की सेहत अच्छी होगी। तो इसलिए डिवर्मिंग भी जरूरी है और ये पहला स्टेप है। जब भी आपने अपने बर्ड की केयर करनी है तो सबसे पहले डिवर्मिंग करें। तो आज मैं आपको तरीका बताऊंगा डिवर्मिंग कैसे की जाए। ज़रूरी नहीं है कि अब मेरे पास तो इस तरह हुआ कि मैं भी हालांकि मैं सारा कुछ बता रहा हूँ फिर भी मैंने भी ये सुस्ती की थोड़ी सी कि मेरी एक साल से ज़्यादा हो गया डिवर्मिंग किए हुए। तो मुझे अब ये इसके साइंस नज़र आया कि मुझे वर्म्स नज़र आए केज में पड़े हुए कि जो इनके अंदर से निकले हैं। तो फिर मुझे मतलब कि ख्याल आया कि यार लाजमी करनी चाहिए, इसको मैं फ़ौरन करूँ। बस मैं ज़रा सुस्ती कर रहा था कि लेट कर लेता हूँ। तो मतलब बताना ये चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको साइन नजर आए तो ही आप डिवर्मिंग करें। वैसे भी बर्ड जब मिट्टी पर रह रहे हैं तो ये जमीन से भी खाते रहते हैं और मतलब कि जरासी मंदिर जाते रहते हैं और इस तरह वर्म्स पैदा होना आम बात है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आप सोचा कि नहीं मेरे बर्ड्स ने तो कभी साइन ही नहीं शो किए हैं तो मेरे बर्ड्स को डिवर्मिंग की जरूरत ही नहीं है। तो हर बर्ड को डिवर्मिंग की जरूरत होती है तकरीबन 6-7 माह बाद या एटलीस्ट 1 साल बाद आप डिवर्मिंग लाजमी करें ब्रीडर्स की अपने खासतौर पर, और जो एटलीस्ट 6 माह के हैं बर्ड्स उनको जरूरत होती है। जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उसकी कंपोजिशन अलग होगी, किसी के अंदर एल्बेंडाजोल कम होगा किसी के अंदर ज़्यादा। तो अगर आप सेम ये यूज़ करते हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कि 5 ग्राम का ये पैकेट है और इसके 1 ग्राम के अंदर 200 mg एल्बेंडाजोल है, तो इसका आप डोजेज वही यूज़ कर सकते हैं जो मैंने यूज़ किया। अगर इसके अलावा आपको कोई प्रोडक्ट मिल रही है जिसकी कंपोजिशन कुछ और है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डॉक्टर से के मशवरे से ही इस्तेमाल करें, खुद से कोई तजर्बा ना करें। तो अगर आपको ये सेम प्रोडक्ट ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो 5 ग्राम वाला पैकेट अगर आपको मिल जाता है तो इसको आपने किस तरह डिवाइड करके बर्ड्स को देना है मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपने अगर लॉजिक पीछे समझ जाएंगे तो आप ज़्यादा मिकदार वाले को भी आप एडजस्ट कर सकेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपने कोशिश करनी है आपको यही सेम पैकेट जो है वो मिल जाए। मेरे ख्याल में ईजिली आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है हर जगह। तो इस पैकेट का बेसिकली ये है कि जो 5 ग्राम हैं इनको 5 ग्राम पाउडर एक आपके पास आ गया है तो उस पाउडर के आपने बेसिकली 10 हिस्से करने हैं और मतलब कि 10 हिस्सों में डिवाइड करके इसको एक एक हिस्सा हर बर्ड को देना है। मतलब कि 0.5 ग्राम आपने हर मोर को खिलाना, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हर बर्ड्स को पूरी पूरी मिकदार में ही ये दिया जाए। मतलब कि अगर आप सरसीसा करते हैं कि जो पानी पड़ा है उस पानी के अंदर आप मिक्स करके रख देते हैं तो उससे इतना कोई असर नहीं होगा, और अगर ज़्यादा डोजेज जाएगा ज़्यादा पिला देते हैं या खिला देते हैं तो उससे भी नुकसान हो सकता है। तो ये एग्जैक्ट इसका कह लें कि 1 5 mg वाले पैकेट के 10 हिस्से करके जितना इतना हिस्सा बनेगा वो आपने एक मोर को देना है। तो अब उसके लिए आप तरीका कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सुनने में काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि यार किस तरह से हम बराबर 10 हिस्से करेंगे और हर बर्ड को खिलाएंगे, तो ये मुश्किल लग रहा है। अब इसका आसान तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने फ़र्ज़ करें आपने एक मकदार में पानी ले लिया, फ़र्ज़ करें 50 cc जो है आपने एक बर्तन में पानी ले लिया, जो कि मैंने भी किया, ठीक है। 50 cc पानी ले कर उसके अंदर सारा पैकेट आपने मिक्स कर दिया। अब 50 cc के अगर हम 10 हिस्से करें तो मेरे ख्याल में 5 5 cc बन रहा है, तो हम एक इंजेक्शन की मदद से इसमें से 5 5 cc करके पानी निकाल सकते हैं और हर बर्ड को पिला सकते हैं। तो मैं अगर आपने बर्ड्स पकड़ के खिलाना है तो उसके लिए रात का टाइम ही बेस्ट है, क्योंकि दिन टाइम से उनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने भी सारे बर्ड रात को पकड़े। आपको किसी बंदे की साथ हेल्प चाहिए होगी, अकेले बंदे के करने वाला ये काम नहीं है, एक बंदा पकड़ेगा। तो उसके लिए भी मैं अगर आपने फर्स्ट टाइम करने हैं आपको बर्ड्स पकड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है तो एक तो अंधेरे में बर्ड पकड़े आसानी से जाएंगे, दूसरा ये कि पकड़ने के बाद बर्ड को ज़मीन पर रख के उसकी जो टांगे हैं वो आप ज़ोर से पकड़ लें, फिर वो बर्ड थोड़ा सा कह लें कि ईजी हो जाएगा और भागने की कोशिश नहीं करेगा। तो टांगे आपने पकड़ ली और दूसरे हाथ से आपने उसके पर भी पकड़ लेने, तो फिर आपने इसकी चोंच खोल के ये जो क्रॉप नीडल है ये यूज़ करनी है, ये ज़रूरी है यूज़ करनी है। इसके बगैर अगर आप सिर्फ चोंच खोल के उसकी और सिरिंज अंदर रख के पानी इंजेक्ट कर देंगे तो वो हो सकता है कि वो पानी उसकी सांस वाली नाली में चला जाए, तो उससे नुकसान हो सकता है, बर्ड्स मर भी सकते हैं। तो इसलिए क्रॉप नीडल हम यूज़ करते हैं। क्रॉप नीडल इसीलिए कि ये आगे मतलब कि कोई ज़ख्म नहीं कर सकती, इसको आप गले के अंदर ज़्यादा आगे तक ले जा सकते हैं। तो जितनी कोशिश करें कि आप आगे तक ले जा कर इसको इंजेक्ट करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। तो इस तरह से आपने बर्ड्स की डिवर्मिंग करनी है। हाँ, एक चीज़ रहेगी कि डिवर्मिंग का ज़्यादा असर तब होता है जब बर्ड्स भूखे हों, तो कोशिश करें आप फीड बाहर निकाल दें। मतलब कि अगर आपने आज शाम को करनी है तो आपको चाहिए कि आप आज सुबह या दोपहर को फीड वाले जो बर्तन है वो बाहर निकाल दें, ताकि जब आप डिवर्मिंग करें रात को तो आपके बर्ड्स के पेट बिल्कुल खाली हों। पेट जितने खाली
मतलब कि अगर खाली पेट करेंगे तो उसका असर ज़्यादा अच्छा होता है, तो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, तो इसलिए बेहतर यह है कि आप खाली पेट में करें। तो ब्रीडर्स का मैंने आपको डोजेज बता दिया, इस तरह करके अगर आपको ये सेम प्रोडक्ट मिलती है तो आप इस तरह करके इनकी डिवर्मिंग कर सकते हैं।